नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 10 अक्टूबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। इंडियन नेवी ने 12वीं बीटेक एंट्री के लिए निकाले ऑनलाइन फॉर्म। इंडियन नेवी ने हाल ही में इंडियन नेवी बीटेक एंट्री के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किए हैं, जिसके लिए सिर्फ अविवाहित पुरुष ही आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। कुल मिलाकर 34 पदों के लिए निकाले गए फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी बोर्ड से वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, जिसकी भौतिक, रसायन और गणित PCM में कम से कम 70% अंक और अंग्रेजी में 50% अंक होना अनिवार्य होगा, या फिर जो उम्मीदवार JEE मुख्य परीक्षा 2020 BE या BTEC के लिए परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, उन्हें JEE रैंक के आधार पर SSC साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। इस बार दुर्गा पूजा में नहीं होगा रावण दहन। इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान रावण दहन का आयोजन भी इस बार नहीं होगा, जिसको लेकर गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज DIG, सभी जिलों के DM समेत सभी अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर निर्देश जारी कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप न सार्वजनिक स्थान पर पूजा का आयोजन करवाया जाएगा, न ही किसी पंडाल को लगाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि रामलीला का आयोजन नहीं होने से और पंडाल नहीं लगने से टेंट कारोबारियों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सरकार के इस के बाद आम नागरिकों में भी काफी मायूसी देखने को मिली है। बिहार में छठी तक के छात्र अगले साल ही करेंगे अब स्कूल का दर्शन। कोविड-19 का शैक्षणिक सत्र पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। कोरोना के माहौल में मार्च से ही सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को फिर भी छूट दे दी गई है, मगर छोटे कक्षा के छात्रों को अभी भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। वहीं अब बिहार के ज्यादातर निजी विद्यालय ने छठी तक के छात्रों को नए साल में ही बुलाने का निर्णय लिया है। छठी कक्षा तक के छात्र अब अपनी वार्षिक परीक्षा 2021 के समय में ही स्कूल जाएंगे। स्कूल द्वारा उनके आंतरिक बैठक में यह फैसला लिया गया है। कोरोना के कारण छोटे क्लास को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। पटना के हरमंदिर तख्त श्री पटना साहिब में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। हरमंदिर तख्त श्री पटना साहिब, जिसे पटना साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, सिख समुदाय के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। पवित्र गंगा के तट पर स्थित पटना बिहार के इस गुरुद्वारे का निर्माण सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। गुरुद्वारा को पूर्वी भारत में सिख धर्म का केंद्र माना जाता है। पटना साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के सभी कुल तख्तों का दूसरा स्वीकार और स्वीकृत तख्त है, जिसका अर्थ है अधिकार की सीट। लंगर या मुफ्त भोजन सेवा यहां सभी आगंतुकों को दी जाती है और आगंतुकों का स्वागत लंगर सेवाओं में भी किया जाता है, क्योंकि यह भगवान को प्रसाद माना जाता है। प्रकाश पर्व या गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती हर साल दिसंबर में मनाई जाती है, जो इस जगह के प्रमुख आकर्षक में से एक है। 12 अक्टूबर को बिहार में फिर से बन रहे हैं बारिश के आसार। मौसम का मिजाज बिहार में एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 15 अक्टूबर तक बिहार में मॉनसून रहने वाला है। इतना ही नहीं, बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनता देखा गया है, मगर ओडिशा तट पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता देखा जा रहा है। दक्षिण बिहार में भी एक टर्फ लाइन बनती देखी जा रही है। इसी वजह से पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश तो कहीं गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण बिहार में मौसमी हवा चल रही है, वहीं एक सिस्टम अंडमान और निकोबार में भी डेवलप हो रहा है। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद राजद आवास में दिखी खुशी। चारा घोटाले मामले में सलाखों के पीछे चल रहे लालू यादव को बीते दिन बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत दे दी गई है, जिसके बाद उनके आवास पर खुशियों का माहौल देखने को मिला। वहीं मनोज झा ने अपने बयान में कहा कि सत्यमेव जयते का नारा भी दिया। हालांकि लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। लालू यादव 30 महीने से सलाखों के पीछे बंद चल रहे हैं। दुमका मामले में सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से बाहर निकल पाएंगे। 9 नवंबर को इसकी सुनवाई पूरी होगी। रामविलास पासवान को आज पूरे सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वहीं उनके जाने के बाद श्रद्धांजलि देने वालों की लाइन देखी गई है। वहीं उनके गुजर जाने के बाद पूरे देश में शोक जताने के बाद संसद और राष्ट्रपति भवन का झंडा भी बीते दिन झुका दिया गया था। वहीं उनके गुजर जाने पर राजकीय शोक भी मनाया गया है। इसके साथ ही उनके पार्थिव शरीर को बीते दिन पटना पहुंचा दिया गया था, जिसके बाद आज उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।
बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ी 1,93,000 के पार। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,155 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बिहार में बढ़कर 1,93,826 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 30, अरवल में 3, औरंगाबाद में 21, बांका में 16, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 37, भोजपुर में 18, बक्सर में 9, दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 68, गया में 43, गोपालगंज में 26, जमुई में 20, जहानाबाद में 13, कैमूर में 16, कटिहार में 70, खगड़िया में 3, किशनगंज में 28, लखीसराय में 35, मधेपुरा में 36, मधुबनी में 15, मुंगेर में 17, मुजफ्फरपुर में 71, नालंदा में 34, नवादा में 18, पटना में 234, पूर्णिया में 52, रोहतास में 23, सहरसा में 23, समस्तीपुर में 24, सारण में 25, शेखपुरा में 6, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 20, सिवान में 10, सुपौल में 26, वैशाली में 29, पश्चिम चंपारण में 11 मामले सामने आए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अंशा की। अंशा सिंह का जन्म 4 फरवरी 1986 को बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में हुआ था। अंशा सिंह एक भारतीय पूर्व फुटबॉलर है जिसने किकस्टार्ट एफसी कर्नाटक के लिए एक रक्षक के रूप में खेला था। वो भारत की महिला राष्ट्रीय टीम की सदस्य रही हैं। 2008 एएफसी महिला एशियन कप क्वालिफिकेशन के दौरान अंशा ने भारत के लिए सीनियर लेवल पर कैंप लगाया था, जिसमें उन्होंने 20 अक्टूबर 2007 को ईरान के खिलाफ 3-1 की घरेलू जीत शामिल थे। इसके साथ ही वो रेलवे फुटबॉल टीम किकस्टार्ट एफसी कर्नाटक का भी हिस्सा रह चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 13 हेलीकॉप्टर की हुई बुकिंग। कोरोना के माहौल में इस साल विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है। वहीं राजनीतिक गतिविधियों के डिजिटलीकरण के कारण सभी तरह के प्रचार प्रसार ऑनलाइन माध्यम से करवाए जा रहे हैं, और यही कारण है कि इस साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केवल 13 हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाई गई है, जिनमें से अब तक महज 6 हेलीकॉप्टर ही पटना पहुंच पाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक हेलीकॉप्टर की बुकिंग भाजपा ने की है, हालांकि अन्य पार्टियों ने भी अपने अपने प्रचार के लिए वीआईपी और दूसरे हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में सैकड़ों रैलियों के लिए कई हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाई गई थी, मगर इस बार नजारा कुछ और है। एटीएम फर्जीवाड़े में राजधानी पटना दूसरे पायदान पर। एटीएम फर्जीवाड़े का मामला राजधानी पटना में बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि मामलों की संख्या ऐसी बढ़ती जा रही है कि राजधानी पटना एटीएम फर्जीवाड़े के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश के 19 महानगरों में दर्ज होने वाले एटीएम फर्जीवाड़े मामले में पटना दूसरे स्थान पर है। पटना में साल 2019 में 202 मामले एटीएम फर्जीवाड़े के दर्ज किए गए थे, जबकि मुंबई में 276 कांड के साथ पहले स्थान पर है। वहीं आपको बता दें, अक्सर फर्जीवाड़े में शामिल लोग मुख्य रूप से एटीएम में स्कीमर लगाकर एटीएम कार्ड को स्कैन किया जाता है। बिहार में दूसरे और तीसरे चरण के लिए जदयू ने सिंबल देने की प्रक्रिया की शुरू। बिहार में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए जदयू ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। पटना के सीएम आवास पर प्रत्याशियों को सिंबल देने का काम बीते दिन से ही शुरू किया जा चुका है, जिसको लेकर भारी संख्या में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की तरफ रुख करने लगे हैं। जदयू की तरफ से लक्ष्मेश्वर रॉय, अचिनित ऋषिदेव सिंह, वीना भारती, सूरज प्रकाश रॉय, शगुप्ता अजीम को सिंबल दे दिया गया है। सिर्फ जदयू ही नहीं, दूसरे और तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। चुनावी तैयारियों की देखरेख करने आज पटना पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जारी है। राजनीतिक दलों ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं चुनावी तैयारियों की देखरेख करने के लिए आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आने वाले हैं, जिसके तहत वो आज रात तक राजधानी पटना पहुंचेंगे। वहीं रविवार को वो गया जाकर वहां की गांधी मैदान में चुनावी सभा का संबोधन करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मगध और शाहबाद क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पार्टी ने हालांकि नड्डा के चुनावी रैलियों में तैयारियों में झोंक दी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेरोजगारी के फिर पूछे सवाल। बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, वहीं चुनाव के आयोजन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर वो लगातार सरकार को निशाने पर लेने का काम करते आए हैं। एक बार फिर से उन्होंने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछते हुए कहा कि आज बिहार का हर जवान बेरोजगार है और रोजगार पर सवाल कर रहा है, तो नीतीश जी गैर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्हें बताना होगा कि बिहार में बेरोजगारी आखिर इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों की होगी प्रतिनियुक्ति। बिहार प्रशासनिक सेवा ने 9 अधिकारियों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग में प्रतिनियुक्त करने का फैसला सुनाया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन ने अपना आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, 14 अक्टूबर से कनीय अभियंताओं के काउंसलिंग का काम पूरा किया जाना है। इसके लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के अधिकारियों को 14 से 28 अक्टूबर तक तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है, जिसमें मुकुल कुमार, राकेश कुमार, सियाराम सिंह, मंजीत कुमार, अजीत कुमार, पूनम देवी और सुरेंद्र कुमार का नाम शामिल है।
त्योहारी सीजन में रेलवे ने दी बड़ी सौगात। आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी। इनमें पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के 13 ट्रेनें और डिवीजन से खुलने वाले 14 ट्रेनों को शामिल किया गया है। इनमें उन्हीं ट्रेनों को शामिल किया गया है जिनमें ज्यादा भीड़भाड़ होने की संभावना बनती देखी जा रही है, जिसमें गाड़ी संख्या 15211 और 12 दरभंगा अमृतसर दरभंगा एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15269 और 70 मुजफ्फरपुर अहमदाबाद मुजफ्फरपुर, 15559 और 60 दरभंगा अहमदाबाद दरभंगा अंत्योदय, गाड़ी संख्या 15267 और 68 रक्सौल लोकमान्य तिलक अंत्योदय, गाड़ी संख्या 11034333 दरभंगा पुणे ज्ञान गंगा एक्सप्रेस, 19269 70 मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस, 11061 और 62 दरभंगा लोकमान्य तिलक पवन एक्सप्रेस का नाम शामिल है। चुनाव आयोग लोगों को जागरूक करने के लिए करेगा सिलेंडर का इस्तेमाल। चुनाव आयोग का बेहद ही अनोखे अंदाज में लोगों को चुनाव के बारे में जागरूक करने की पहल शुरू करने वाला है। मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत अब चुनाव आयोग घरेलू सिलेंडर पर मतदान की तारीख और जागरूक करने संबंधित स्लोगन या फिर स्टिकर लगाएगा। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर भी मतदान करने को लेकर स्लोगन अंकित करवाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सौंप दी गई है। इस बार भाड़े की बाइक पर भी लगेगी चुनावी ड्यूटी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बाइक से भी ड्यूटी की जाएगी, जिसके लिए परिवहन विभाग ने 110 बाइक को चुनावी ड्यूटी के लिए भाड़े पर लेने का निर्णय लिया है, जिसका हर दिन का किराया लगभग 250 रुपए तय किया जाएगा। इसके लिए बाइक किराए पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही 4000 कई अन्य गाड़ियों को भी किराए पर लिया जाएगा। इस काम के लिए फिलहाल 150 गाड़ियों को अधिग्रहित किया गया है। ईवीएम पहुंचाने के लिए ट्रैक किराए पर लिया जाएगा। इसके साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारियों ने 3500 गाड़ी मालिक को नोटिस भेजने का फैसला लिया है। बिहार चुनाव के पहले चरण में कुल मिलाकर 1357 प्रत्याशी रेस में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 94 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू करवा दी गई है। 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने का काम किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को की जाएगी। इस चरण के लिए 3 नवंबर को मतदान करवाया जाएगा। वहीं पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, जिसमें 1357 प्रत्याशी रेस में नजर आने वाले हैं। हालांकि अभी पहले चरण में उतरने वाले उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनसीपी उतरेगी शिवसेना के साथ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनसीपी भी शिवसेना के साथ मैदान में उतरने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में चौतरफा घिरी शिवसेना अब उन्हीं के गृह जिले में चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जिसके तहत पार्टी ने 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसकी पुष्टि शिवसेना नेता संजय राउत ने की थी। उन्होंने पिछले दिनों जारी किए गए बयान में ही साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी बिहार में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है। बिहार चुनाव पर प्रशांत भूषण के ट्वीट ने मचाया बवाल। आगामी विधानसभा चुनाव का आयोजन 28 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। वहीं चुनाव को लेकर बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इसी क्रम में अपने ट्वीट के जरिए विवादों में उलझने वाले प्रशांत भूषण ने अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ट्वीट जारी किया है। उनके इस ट्वीट के बाद राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने लिखा है कि अगर बिहार और देश को महिला दलित अल्पसंख्यक पर अत्याचार से बचाना है, अगर किसानों को अडानी अंबानी से बचाना है, अगर युवाओं को नौकरियां दिलवानी है, अगर न्यायपालिका इलेक्शन कमीशन मीडिया को सुधारना है, अगर लोकतंत्र बचाना है, तो इसकी शुरुआत बिहार में भाजपा जदयू की हार से होगी। कुली नंबर 1 की डेट हुई पोस्टपोन। वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर 1 पर अब कोरोना का असर दिखने लगा है। बॉलीवुड की गलियारे से आई खबर के अनुसार वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर 1 की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है। यह फिल्म पहले 1 मई को रिलीज होने वाली थी। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स फिल्म को अब 1 मई को रिलीज नहीं करने वाले हैं। फिल्म को अब जून या फिर जुलाई में रिलीज किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि अगर कोरोना के चलते हालात बिगड़े और सामान्य नहीं हुए तो फिल्म को आगे भी पोस्टपोन किया जा सकता है। सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि इस फिल्म के ट्रेलर को भी इससे पहले पोस्टपोन किया जा चुका है। ब्रायन लारा ने ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर दी अपनी प्रतिक्रिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी काफी समय तक सवालों के घेरे में बनी हुई थी। हालांकि अब उनकी बल्लेबाजी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके तहत वेस्टइंडीज के पूर्व महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को लगता है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी में काफी सुधार किया है। उन्होंने ऋषभ पंत की खासकर ऑफ साइड बल्लेबाजी की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने खेल में काफी सुधार किया है। मैं उनके बल्लेबाजी में किए गए सुधारों के बारे में बात कर रहा हूं। अब प्राइवेट व्हाट्सएप चैट को आसानी से रख सकते हैं सेफ।
व्हाट्सएप आज के समय में सभी की जरूरत बन गया है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक व्हाट्सएप की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अक्सर व्हाट्सएप भी अपने यूजर के लिए नए नए फीचर्स को लेकर आता रहा है, जिसने इस ऐप के इस्तेमाल को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। वहीं अब आपके चैट सुरक्षित रखने के लिए एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन रखा गया है, जिससे आपके मैसेज सुरक्षित रहेंगे, जिसके तहत अब आप अपने ऐप को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मदद से सुरक्षित रख सकते हैं, जिसकी मदद से आपके पास वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। दूसरा, आप अपने ऐप को लॉक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने चैट बैकअप को भी बंद कर सकते हैं। इसको बंद रखने से बग कभी भी आपके मैसेज को हैक नहीं कर पाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,500 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,500 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.80 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नवीन पासवान, शंभू यादव, आशीष कुमार, संदीप कुमार, राकेश झा, उजाला चौधरी, वीरेंद्र यादव, आशीष कुमार, पंकज कुमार, साहिल कुमार, सिकेश कुमार, प्रेम सागर यादव, आशीष कुमार चौहान, सिकेश नंदन, अरविंद कुमार, वरुण कुमार, धर्मेंद्र कुमार, राकेश कुमार, ओम प्रकाश झा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। कन्हैया कुमार की तरफ से पूछे गए सवाल के अनुसार, बिहार में किस पार्टी के आने से खिलाड़ियों को और खेल जगत को प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।